देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है। इसमें टीएमसी के 3 कार्यकर्ताओं की मौत हो गई है। स्थानीय सूत्र और पुलिस के मुताबिक शनिवार सुबह टीएमसी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। इसमें टीएमसी कार्यकर्ता खैरुद्दीन शेख और सोहेल राणा और एक अन्य कार्यकर्ता की मौत हो गई। इससे पहले लोकसभा चुनाव से पहले ढोमकोल पंचायत समिति के अल्ताफ हुसैन की भी हत्या कर दी गई थी। इस घटना के मुख्य आरोपी को कुछ दिन बाद रिहा कर दिया गया था। बताया जा रहा है कि सोहेल राणा अल्ताफ हुसैन का बेटा है और खैरुद्दीन शेख उसका बड़ा भाई है। इस घटना के बाद इलाके में एक भारी पुलिस बल तैनात है। कार्यकर्ताओं की मौत के पीछे टीएमसी ने कांग्रेस का हाथ बताया है। खैरुद्दीन के बेटे ने कहा है कि हम सो रहे थे तभी अचानक घर पर बम से हमला हुआ। उन्होंने हमारे पिता पर हमला किया। उन्होंने ये भी बताया कि कुछ दिन पहले मेरे चाचा की भी हत्या कर दी गई थी। हत्या के पीछे कांग्रेस का हाथ बता रहे हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद बंगाल में राजनीतिक हिंसा थमने का नाम ही नहीं ले रहा। यहां अब तक लगभग 10 राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। अब तक यहां पर बीजेपी और तृणमूल के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प होती आई है, लेकिन अब कांग्रेस और तृणमूल के बीच ऐसी घटना सामने आने लगी है। हाल ही में उत्तर 24 परगना जिले के हसनाबाद में बीजेपी महिला कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़।